बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लाहौर में बहुत ही फेमस काली मिर्च वाले छोले हैं स्पेशल तरी के साथ। डिटेल से आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, इतने मज़ेदार और इतने लजीज के, सुभान अल्लाह, बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चनों को मैंने 6 घंटे पहले रात को भिगो के रख दिया था। अब इसका पानी निकाल के अच्छी तरह से धो लेने के बाद प्यारा सा प्रेशर कुकर लेंगे और इन चनों को ऐड कर देंगे। 400 ग्राम यहाँ पे मैंने चने लिए हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पे इसमें हम ढेर सारा पानी ऐड कर देंगे, इतना कि इनसे 1 इंच ऊंचाई में आ जाए। एक ही चीज़ जाएगी यहाँ पे इसमें, वो है नमक। 1 टीस्पून नमक ऐड करके हम इसका ढक्कन लगा देंगे और इसको 10 मिनट तक, यानी कि 10 मिनट की सीटी पर रख देंगे इसको। और चलते हैं मसालों की तरफ, कुछ स्पेशल मसाले हैं। तो यहाँ पे प्याज है हमारे पास छोटे 3 अदद, बड़े 2 ले सकते हैं। 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं रेड कलर के, लहसुन के जवे हैं 5 और 1 इंच है अदरक। इन सब चीज़ों को एक बॉल के अंदर हम मिक्स कर लेंगे। और बेसिकली ये रेसिपी बहुत ही आसान है, मतलब हम जो रेगुलर बनाते हैं ना छोले, उनसे तो बहुत आसान है। चले जी, इसको घुमा के इसका पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं, चनों को हम यहाँ पे चेक करेंगे कहीं वो कच्चे तो नहीं रह गए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे डन है। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ होगी, थोड़ी सी मुख्तलिफ। इसी पानी के अंदर हम ये काली मिर्च ऐड कर देंगे। अगर यहाँ पे पानी ज़्यादा हुआ तो आप कम कर सकते हैं। और 1 टीस्पून है ये काली मिर्च का पाउडर, अच्छी तरह से मिक्स करके लो फ्लेम के ऊपर, इतना फ्लेम हो कि ये पानी जो है ड्राई ना हो, ठीक हो गया। और इन चनों के अंदर हम ये फ्लेवर लेके आएंगे काली मिर्च का। चलें जी, साइड में रखते हैं। अब एक खूबसूरत सी प्यारी सी कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर हम लेंगे 1 कप घी का। बेसिकली जितनी रेस्टोरेंट स्टाइल या ढाबा स्टाइल रेसिपीज होती हैं, ये हमेशा घी में तैयार होती हैं, क्योंकि घी का टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है कुकिंग ऑयल से। चलें जी, अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज़ इसमें जाएगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 3 बड़ी इलायची और 2 3 ही कर लेते हैं छोटी इलायची। और जो हमने अभी पेस्ट बनाया था उसको इसमें ऐड कर देंगे। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं जनाब, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है कि हम सही काम कर रहे हैं। और वीडियो को लाइक करना कंजूसी ना किया करें, इतनी मोहब्बत से आपके लिए हम रेसिपीज बनाते हैं और आप वीडियो को एक लाइक करना भी तकल्लुफ समझते हैं। चलें जी, यहाँ पे मिक्सिंग कर देंगे अच्छी तरह से। और यहाँ पे आपको ना घी ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हमने तरी को साइड पे करना है। 1/2 टीस्पून इसमें नमक का जाएगा, क्योंकि नमक हम चनों में भी छोलों में भी ऐड कर चुके हैं। यह है चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून जाएगी इसमें। और अगली चीज़ है हमारे पास हल्दी, 1/2 टीस्पून जाएगी। 1 टीस्पून इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और ज़ीरा 1/2 टीस्पून। यहीं पे सारे मसाले जो हैं ऐड हो जाएंगे, गरम मसाले की यहाँ पे ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा सॉफ्ट टच होता है इन चनों का। अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे, भुनाई करेंगे। और काली मिर्च का भी एक और इस्तेमाल है, 2 हम यूज़ कर चुके हैं, एक तीसरा इस्तेमाल है, वो बहुत ही स्पेशल है। चलें जी, अभी काफ़ी नमी आपको नज़र आ रही होगी मसालों में, तो ये लें जी काली मिर्चें खड़ी साबुत ऐड करेंगे यहाँ पे, और इनका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा एंड तक। और ये जो एक चीज़ है ना काली मिर्च वाले छोले, ये भी मतलब एक बात पूरी हो जाएगी इसके ऐड करने से। चलें जी, अब हमने यहाँ पे दही ऐड करनी, जब मसाले ड्राई हो जाएं काफ़ी हद तक, मतलब कि ये जो प्याज है उनका पानी जब ड्राई हो जाएगा, दही ऐड कर देंगे। एक छोटी प्याली तकरीबन 100 ग्राम काफ़ी होगी। अच्छे से फेंट के दही को ऐड किया करें। और यहाँ पर हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत ही शानदार तैयार हो रही है। ये लीजिए, अभी आप देखिएगा ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है टोटली, और मसाला नीचे बैठ चुका है। और यहाँ पे हम ऑयल को सेपरेट, इस तेल को सेपरेट कर लेंगे। एक्चुअली ये रोगन होता है, इसको तरी भी बोलते हैं। इसको आपने निकाल लेना है कम्प्लीटली, कि ये बिल्कुल ड्राई सा रह जाए मसाला, ठीक है, खुश्क मसाला रह जाएगा। यहाँ पर हरी मिर्ची ऐड कर देंगे 3 से 4 बड़ी बड़ी, ये भी बहुत अच्छी लगती हैं और ढाबा स्टाइल में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एंड पे, इसलिए ताकि ये खड़ी खड़ी रहें। अब यहाँ पे ये जो तैयार हुआ ना, इसको तरी बोला जाता है, इसको रोगन भी बोला जाता है। अक्सर लोग इसके अंदर खोया भी ऐड करते हैं, अक्सर लोग इसके अंदर जो मीठे होती है ना बोन मैरो होता है उसको भी ऐड करते हैं मज़ीद टेस्ट बनाने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप इसको सेपरेटली ऐड करें। तो ये लें जी, ये जो मसाला था इसके अंदर हम इन चनों को ऐड कर देंगे, जिसके अंदर हमने काली मिर्च ऑलरेडी ऐड की हुई है, ठीक है। और इसका फ्लेम बिल्कुल 0 पे हमने ऑन रखा था, ऑफ़ नहीं किया था। मिक्सिंग करेंगे अच्छी तरह से, और जो हमने ऑयल निकाला हुआ है, तरी निकाली हुई है, उसका बहुत शानदार हम इस्तेमाल करेंगे। चलें जी, यहाँ पे ये तैयार है। अभी आपने इसके अंदर तरी ऐड यहाँ पे हरगिज़ नहीं करनी। तो चलते हैं पानी लुक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
तो ये देखें जी, यहाँ पे चनों की लुक देखें कितनी खूबसूरत है, और ये यहाँ पे तरी इसके ऊपर, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में हमारे खानों में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक और एक प्यारा सा नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये चने कैसे लगे। दुआ में याद रखिएगा, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।